नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं आशुतोष हत्याकांड का दूसरा और आखिरी भाग। तुम्हें कैसे पता कि आशुतोष को पंकज ने मारा था? पंकज को आशुतोष को मारने के लिए अमी ने कहा था। रश्मि की लाश का धन्यवाद संजू। ब्रिजेश, अब सब सच सच बता दो, तुम्हारी बहन रश्मि कहाँ है? पंकज कहाँ है? तुमने पंकज को आशुतोष को मारने के लिए कब कहा और क्यों कहा? आशुतोष हमारे बचपन का दोस्त था, फिर भी हमारी पीठ पर छुरा खोप रहा था। आशुतोष, अब तो ब्रिजेश भाई भी मुरादाबाद जा चुके हैं, तो फिर क्या तकलीफ है? हमें यह सब सही नहीं लगता है। हमें लगता है कि हमें माँ बाबा और ब्रिजेश को सब सच सच बता देना चाहिए। अगर वो नहीं माने तो? ब्रिजेश हमारे साथ पला बड़ा है रश्मि, वो हमारा बचपन का दोस्त है, और फिर हमें नहीं लगता कि उसे हमारे रिश्ते से कोई भी एतराज होगा, और यदि फिर भी कोई एतराज हुआ तो फिर क्या? तो भी हम तुमसे ही शादी करेंगे, चाहे जो हो जाए। बचपन का दोस्त होकर भी हमारी पीठ पर छुरा खोप रहा था वो, हर किसी को इस बात का अंदाजा था। ऐसे हम ही नहीं था, एक हम ही थे जो दोस्ती में अंधे हो गए थे, जो कुछ देख ही नहीं पाए। भैया, आशुतोष जब भी कानपुर से आता है ना, ये दोनों यहीं मिलते हैं। अब आप तो घर पे रहते नहीं हैं, इसीलिए ये लोग घर पे नहीं मिल पाते। कब से चल रहा है ये सब? बहुत टाइम हो गया है, पंकज को भी शक था। यार, तुम्हें अगर पहले से पता था तो तुमने बताया क्यों नहीं हमें? हमें लगा कि तुम्हें पता होगा। याद है जब हम पहले तुम्हारे घर पर मिला करते थे, तब आशुतोष पहले आ जाता था और रश्मि के साथ वक्त बिताता था। अबे तुम टेंशन मत लो यार, हम तुम्हारी सारी तैयारी करा देंगे। नहीं यार, ये फिजिकल टेस्ट की टेंशन नहीं है हमें, लेकिन ये जो रिटर्न टेस्ट होता है ना यार, वही उसी की टेंशन है। अरे कुछ नहीं होगा, फिक्र काय को करते हो, और देख लेना तुम पास हो जाओगे। क्या बात है। अरे लो, चाय आ गई, गर्मा गर्म चाय। अबे यार, तुम दोनों दसवीं से आगे निकल गए, और एक हम हैं जो पीछे के पीछे रह गए। और यार आशुतोष, ये तो साला ग्रेजुएट हो जाएगा। और ब्रिजेश पक्का पुलिस में जाएगा ये। देख लेना हम कह रहे हैं, और इसका जिम्मा हमारा है। तुम हो तो क्या गम है यार, कह रहे हैं हम, देख लेना। तेरी मदद किस लिए कर रहा था वो? तेरी बहन के कारण। हमने आशुतोष से सीधे बात की, कहा हमारी बहन से दूर रहे। लेकिन ब्रिजेश, हम रश्मि से प्यार करते हैं यार। भूल जाओ उसे, अकेला छोड़ दो उसे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? हमारी प्रॉब्लम हम पे छोड़ दे। अरे एक दोस्त की पीठ पर छुरा घोपाया तुमने, इतना भी नहीं सोचा कि तुम्हारे दोस्त की बहन है वो। दूर रहना उससे, हम बता रहे हैं तुम्हें। क्यों रहे दूर? क्योंकि हम कह रहे हैं, इसीलिए हम नहीं चाहते कि हमारी बहन तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखे।
और अगर हमें पता चला कि हमारे मना करने के बाद भी तुम हमारी बहन से मिल रहे हो, नतीजा अच्छा नहीं होगा, हम बता रहे हैं। लेकिन आशुतोष समझने का नाम ही नहीं ले रहा था, पीछे पड़ गया था हमारी बहन के, वो और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था हमारे पास। ब्रिजेश, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जैसा हम कहेंगे वैसा करोगे? हाँ यार, दोस्त हैं हम तुम्हारे। और वैसे भी उस आशुतोष ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा है। एक हमने उसे समझाया, और चाहे जितना भी समझा ले वो नहीं रुकेगा। हम चाहे तो उसे पिटवा सकते थे, लेकिन हम जानते हैं वो हमारी बहन से मिलना बंद नहीं करेगा। तुमको क्या लगता है क्या इलाज है इस इश्के भूत का? मार दो, खत्म कर दो उसे। हम चाहते हैं कि ये काम तुम करो, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा, ये हम वादा करते हैं। पुलिस में हैं हम, चिंता मत करो। करेंगे कैसे? तुम कानपुर जाओगे, आशुतोष से उसके रूम पर मिलोगे और वहीं उसे खत्म करोगे। तुम भी हमारे साथ रहोगे ना? नहीं रह सकते, क्योंकि उसके लिए हमें छुट्टी लेनी पड़ेगी, और अगर हमने छुट्टी ली तो पुलिस का सीधा शक हम पर जाएगा। दोस्ती की खातिर हम जान लेने देने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं तुम उस कमीने का चेहरा तेजाब से जला दो, ज्यादा से ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए साले को। 13 तारीख की रात को पंकज ने आशुतोष को खत्म कर दिया। पर पंकज कहाँ है अभी? पता नहीं, उसको फोन किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तुम्हें कैसे पता कि पंकज ने आशुतोष को खत्म कर दिया? क्योंकि हमने ये काम पंकज को 13 तारीख की रात को करने को कहा था, फिर हमने सुना कि आशुतोष की हत्या हो गई है। हमें यकीन हो गया कि पंकज ने अपना काम कर दिया। ब्रजेश, तुम अभी भी आधी अधूरी सच्चाई बता रहे हो। हमें पूरा सच्चाई। देखिए, हम जितना जानते थे आपको बता चुके हैं। हम तो 13 तारीख की रात से पंकज से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा है। फिर हमारे छोटे भाई सागर ने बताया कि जिस दिन पंकज निकला उसी दिन हमारी छोटी बहन भी घर से निकल गई थी। हमें तो दोनों दोस्तों ने ही धोखा दे दिया। लेकिन रश्मि कहाँ है? कहाँ गई वो? भैया, हमें तो लग रहा था कि रश्मि का आशुतोष के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन सुनने में आया है कि रश्मि पंकज के साथ भाग गई है। हाँ भैया, मेरे एक दोस्त ने उसे 12 की सुबह हाईवे के पास वेट करते हुए भी देखा था। कानपुर जा रही थी, यही सुनने में आया कि वो पंकज के साथ ही भाग गई है। हमारे दोनों दोस्तों ने हमारे साथ धोखा किया, हमारी बहन ने हमें धोखा दिया। हम लगता था कि बस एक पंकज है जो हमारा सच्चा दोस्त है, जो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। हमें क्या पता था कि वो ये सब कुछ अपने लिए कर रहा है, उसने भी हमारे साथ गद्दारी की है। अभी भी तुम्हारे मुंह से पूरा सच बाहर नहीं आ रहा। कैसा सच? और बचा क्या है हमारे पास कुछ छुपाने के लिए? यही कि तुमने आशुतोष को मरवाया, लेकिन जब तुम्हें पता चला कि पंकज तुम्हारी बहन को लेकर तुम्हें धोखा देकर भाग गया, तो तुमने पंकज और रश्मि दोनों को ठिकाने लगा दिया। देखिए, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमें तो यह भी नहीं पता कि वो दोनों इस समय है कहां। सर, ये ब्रिजेश बहुत ही शातिर आदमी है, इसे पता है अदालत में छूट जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसकी साजिश का कोई सबूत नहीं है। इसकी बहन रश्मि गायब है, पंकज भी गायब है। मुझे लगता है जब इसे पता चला होगा कि इसका दोस्त पंकज भी इसे धोखा देकर इसकी बहन को लेकर भाग गया है, तो इसने दोनों को ठिकाने लगा दिया होगा। एक काम करो, सारे शवगृहों को चेक करो, जितनी भी लवारिस लाशें मिली हैं सबकी डिटेल निकालो। सर,
रश्मि चौहान के भाई कांस्टेबल ब्रिजेश चौहान ने साजिश का सारा नक्शा खोल कर रख दिया, लेकिन अब भी पंकज सिंह और रश्मि चौहान की कोई खबर नहीं मिली थी। पुलिस को शक था कि ब्रिजेश चौहान उन्हें ठिकाने लगा चुका होगा, लेकिन इस बात का भी उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा था। ऐसा लग रहा था कि जांच अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देगी, लेकिन अचानक न जाने कहां से एक छोटी सी खबर ने रहस्यों का एक नया पिटारा खोल दिया। सर, पूरे स्टेट के एक एक शौगार को चेक किया, तस्वीरें हर थाने में भिजवाई, लाशों को जहां कहीं भी फेंका या ठिकाने लगाया जा सकता है, एक एक जगह देखा ढूंढा, लेकिन इनका तो कहीं भी नामो निशानी नहीं है। पंकज और रश्मि के फोन्स अब तक बंद है सर, कोई अता पता नहीं। ब्रिजेश खुद पुलिस वाला है, इसलिए वो कानूनी दावपेच को जानता है। उसने सारे काम को बड़ी सफाई से अंजाम दिया। हाँ सुमान बोल। सर एक उड़ती उड़ती खबर है, शायद आप किसी काम की हो। बोल। सर तीन दिन पहले आशुतोष के दोस्त संजू ने उसकी मार्कशीट निकलवाई थी कॉलेज से। लेकिन वो आशुतोष की मार्कशीट का क्या करेगा? नहीं पता, लेकिन संजू अभी गायब है सर। ठीक है, मार्कशीट क्या ये कोई लीड हो सकती है? लेकिन संजय ने तो ये बताया था कि आशुतोष की फैमिली ने उसकी मार्कशीट मंगवाई है। रजिस्टर दिखाइए। जी सर, संजू का फोन बंद है और वो गायब है। कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ है, उसके फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सर आशुतोष की मार्कशीट? उनको नहीं पता सर इसके बारे में कुछ भी, लेकिन आशुतोष का दोस्त संजू तो यही बोल के उसकी मार्कशीट कॉलेज से लेके आया कि उसकी फैमिली वालों ने मंगवाई है। पता नहीं सर उसने काहे किया ऐसा, उसको आशुतोष की मार्कशीट की क्या पड़ी इसकी। सर हमें नहीं पता कि संजू कौन है और वो आशुतोष की मार्कशीट क्यों ले गया है। आशुतोष को मारने के लिए पंकज के साथ और कौन गया था? सर जहाँ तक हमें पता है पंकज अकेला गया था। अब सर वो अपने साथ किसी को ले गया हो तो हमें नहीं पता सर। वहाँ दो लोग, उन्होंने आशुतोष को मारने से पहले उसके साथ शराब पी। सर हमें बिल्कुल नहीं पता कि पंकज के साथ और कौन था। सर संजू का फोन तो अभी भी बंद ही दिखा रहा है, वैसे एक घंटे में उसके कॉल रिकॉर्ड हम तक पहुंच जाएंगे। संजू कानपुर में किराए पर रहता था, एक टीम उसके गांव जा चुकी है। ये संजू वही है ना जिसने हमें आशुतोष की गर्लफ्रेंड के बारे में बताया? सर उसकी गर्लफ्रेंड थी जिससे वो शादी करने वाला था। जी हाँ सर, फिर जांच हमें पंकज की ओर ले गई, फिर रश्मि के गायब होते ही ब्रिजेश की ओर, फिर ब्रिजेश ने हमारे सामने सारी साजिश का पर्दाफाश किया। हमारा मतलब है हमें इस जांच में गुमराह किया जा रहा है। मुमकिन है सर, हो सकता है इस पूरे साजिश के पीछे केवल दुश्मनी वाला एंगल ना हो, कोई और भी एंगल हो, जैसे प्रॉपर्टी या फिर और कुछ। हमारा इशारा आशुतोष के भाई गजेंद्र प्रसाद की तरफ है। सर गजेंद्र भी अपने भाई आशुतोष को रास्ते से हटाने की सोच सकता है। लेकिन अपने भाई को मारने के पीछे गजेंद्र प्रसाद का क्या मकसद हो सकता है? सर हो सकता है कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद या फिर कोई ऐसी चीज जो वो आपस में बांटना नहीं चाहता हो। पुश्तैनी जमीन है, दो बेटे हैं आशुतोष और गजेंद्र, हम उन पर कुछ थोपना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी उसको आशुतोष की मार्कशीट की जरूरत क्यों पड़ेगी? किसी सरकारी दफ्तर से कोई डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए। सर रश्मि और आशुतोष का एंगल आते ही हो सकता है गजेंद्र और ब्रिजेश आपस में मिल गए हों। फिर इसमें उन्होंने पंकज को शामिल किया और इसे पंकज और रश्मि का एंगल बना दिया। इस तरह तीनों को ठिकाने लगा दिया, ना कोई सबूत बचा ना ही कोई सुराग, तहकी का ठप और उन्हें जो भी चाहिए था मिल गया। ब्रिजेश को अपनी बहन और आशुतोष से छुटकारा और गजेंद्र प्रसाद को अपने प्रॉपर्टी के हिस्सेदार यानी कि अपने छोटे भाई आशुतोष से छुटकारा। सर संजू गजेंद्र से लगातार टच में था। जिस रात आशुतोष का कत्ल हुआ उस रात उसके साथ उसके कमरे में तीसरा आदमी संजय ही था।
जरूर कोई गलत फहमी हुई है सर। आशुतोष हमारा भाई सर, हम अपने भाई काहे मारेंगे बताइए। बैठिए। क्या साजिश थी बोलो। हम सच कह रहे हैं सर, ऐसी किसी साजिश के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। आशुतोष के मरने की खबर सबसे पहले तुमने पुलिस को दी। आशुतोष? सब नाटक था, जबकि तुम पहले से जानते थे कि आशुतोष मर चुका है। नहीं सर, ये सच नहीं है सर। बिल्कुल सच है। इसी साजिश के तहत तुमने 14 अप्रैल को कानपुर में आशुतोष के घर जाने का प्लान बनाया। कल हम आ रहे हैं कानपुर, कुछ ऑर्डर देना है और उसके बाद दोपहर को तुमसे मिलते हैं आके। फिर सर वो हमारा छोटा भाई था सर, बच्चे की तरह मानते थे सर उसको। तुम्हारा ये छोटा भाई तुम्हारी पुश्तानी जायदाद में आधे हिस्से का हकदार था। नहीं सर, ऐसा कोई झगड़ा हमारे बीच में था ही नहीं सर कभी। ऐसा कोई झगड़ा नहीं था तो फिर कैसा झगड़ा था बता तो रहे सर। कोई झगड़ा ही नहीं था सर, हमने तो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई उसकी खुद करवाई है सर। ये संजीव आशुतोष की मार्कशीट लेने क्यों गया था? हमको नहीं मालूम सर। लेकिन वो लगातार तुम्हारे संपर्क में था, तुम्हारी लगातार उससे फोन पर बात होती रही। सर वो आशुतोष का दोस्त था तो हमको फोन करता रहता था सर, पूछता रहता था कि भैया आशुतोष के हत्यारे पकड़े गए कि नहीं। बस क्यों, वो आशुतोष के ऊपर जीवनी लिख रहा था, उसको इतना इंटरेस्ट क्यों था कि आशुतोष के हत्यारे पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? हमको नहीं मालूम सर, हमको लगा उसका दोस्त है तो बात कर लिए। तुमने और ब्रजेश ने मिलकर पंकज और रश्मि को कब और कहां मारा? ये क्या कह रहे हैं सर आप? भगवान कसम साहब, हमको अंदाजा ही नहीं है सर इसका कुछ। साहब एक नंबर है जिससे 19 अप्रैल 2013 से इसे फोन आने शुरू हुए और 23 अप्रैल तक आते रहे। किसका नंबर? दिल्ली के किसी ज्ञानी लाल का, लेकिन अभी यह नंबर बंद है। कौन है ज्ञानी लाल? हमारे जानकार है साहब, पहले कानपुर में रहते थे। नंबर क्यों बंद है इनका? हमको नहीं मालूम सर। लेकिन ज्ञानी लाल ने यह नंबर 19 अप्रैल को ही लिया है और ये रहे उसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स। सच बोल रहे हैं सर, हमारे पास एक कॉल आई, उसके बारे में कितना जान सकते हैं सर बताइए आप। ये गजेंद्र अभी टूट नहीं रहा, लेकिन ये पक्का इस गड़बड़ में शामिल है। सर ये लोग अच्छे से जानते हैं कि इनका चुप रहना तहकीकात को आगे नहीं बढ़ने देगा। उस गनीलाल की खबर? उसने सिम कार्ड दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से खरीदा था और इस सिम कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ दो लोगों को कॉल करने के लिए किया गया, एक तो गजेंद्र और दूसरा एक और नंबर है 444-909-890। ये नंबर जहांगीरपुरी के किसी ब्रोकर का है सर। प्रॉपर्टी ब्रोकर। इस पूरे मामले में बड़े शातिर तरीके से हेराफेरी की गई है ताकि तफ्तीश आगे ना बढ़ पाए। एक बार जरा इस प्रॉपर्टी ब्रोकर को देखते हैं। ज्ञानीलाल। ये ज्ञानीलाल 19 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक लगातार आपके टच में था, कोई खास वजह? जी हाँ, मैंने उन्हें एक किराए का घर दिलवाया था जहांगीरपुरी में। जहांगीरपुरी में कहाँ? जी एसपी कॉलोनी में दिलवाया था, यही कुछ दो दिन पहले। हमें उसका एड्रेस चाहिए और डॉक्यूमेंट्स भी। श्योर सर। जी हाँ ये रहे। अब समझ में आई साजिश क्या नहीं था। ज्ञानीलाल तुम्हारा डबल रोल अब खत्म हो गया। आशुतोष कौन है? चलिए मैडम, आज आपको पुलिस स्टेशन में खाना खिलाएंगे। पंकज सिंह कहाँ? बोलो, अभी तुम लोगों को बहुत कुछ बताना बाकी है।
जिस आशुतोष प्रसाद की हत्या हो गई थी, जिसका चेहरा जला दिया गया था, वो दिल्ली के एक घर में टांग पसारे मस्ती से बैठा था रश्मि चौहान के साथ। अब सवाल ये खड़ा हो रहा था कि आशुतोष के घर में जो लाश मिली थी वो किसकी थी, पंकज कहाँ था, और इस मौत से आशुतोष का या किसी और का क्या फायदा था। आशुतोष ने जब खुलासा किया तो मामले की एकदम नई परतें खुली। अब सारी कहानी फ्लैशबैक में सुना दो। क्या था ये षड्यंत्र? बोलो। पंकज हमें मारने आ रहा था। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? उस आशुतोष ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा है। हमने उसे समझाया और भी समझाएंगे तो भी वो समझेगा नहीं। तुमको क्या लगता है क्या इलाज है इस इश्के भूत का? मार दो, खत्म कर दो उसे। कानपुर जाओगे, आशुतोष से उसी के घर पर मिलोगे और वहीं पर उसे खत्म कर दो। दोस्ती की खातिर हम जान लेने देने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं तुम उस कमीने का चेहरा तेजाब से जला दो। ज्यादा से ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए इस साले को। हमने ब्रिजेश भैया का आशुतोष को मारने का पूरा प्लान सुन लिया था। हम आशुतोष से बहुत प्यार करते थे। हाँ रश्मि, कैसे हो तुम? आशुतोष हमारी बात सुनो, ब्रिजेश भैया और पंकज तुम्हें मारने का प्लान बना रहे हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम रश्मि? हाँ हमने सब सुना, 13 तारीख को पंकज तुमसे मिलने आएगा और उसी दिन तुम्हें खत्म कर देगा। पंकज का 11 अप्रैल को हमें फोन आया। हाँ पंकज, कैसा है तू? मस्त है, परसों कानपुर आ रहे हैं हम। अरे बढ़िया यार, तो फिर आ जाना, घर पर ही आ जाना। हाँ हाँ आएंगे, तुम शाम को घर पे ही रहोगे ना? एकदम यार, और फिर तू आ रहा है तो घर पर ही रहूंगा ना। ठीक है, मिलते हैं फिर। चल ठीक है, आजा आजा तू आजा। हाँ कुछ काम है, फटाफट मिल। ठीक है। हमारे जान की बात है तो हम कुछ भी कर जाएंगे, आखिर तुम जिगरी यार हो हमारे। एसिड लेके आ रहा है हमारा मुंह चलाने के लिए। आने दो, देख लेंगे साले को। रश्मि। हाँ शुतोष बोलो। तुम्हारा भाई ना हम दोनों को साथ में देख नहीं सकता है, बता रहे हैं हम। अरे दी, इस बार भी हम बच गए ना, फिर से कोशिश करेगा हमें मरवाने की। तो अब तुम करना क्या चाहते हो? तुम शादी करोगी हमसे? हमें अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है आशुतोष। घर छोड़ सकती हो हमारे लिए? तुम एक बार बोलो तो सही। बोला, अभी तुरंत कानपुर के लिए निकलो। लेकिन करना क्या है? उनका प्लान उल्टा करना है, बस तुम निकलो। हमारा अभी निकलते। रात हम कानपुर में संजू के यहाँ रहे और उस रात पंकज हमें मारने के इरादे से हमारे घर आया। अबे आशु, तुम तो ग्रेजुएट हो जाओगे यार। हाँ यार, बड़े भैया ने पढ़ाया था तो निकल गए, उनकी सपोर्ट नहीं होती तो कर नहीं पाते। हाँ भैया का सपोर्ट तो था ही, मगर
रश्मि ने भी खूब प्रेशर दिया तुमको पढ़ाई के लिए, नहीं? क्या बात कर रहे हो बे? तुम्हें क्या लग रहा है आशु, कि हमें कुछ खबर ही नहीं? अबे बोलो ना, तुम और रश्मि एक दूसरे को लाइक करते हो या नहीं? लाइक तो तुम भी उसको करते थे बे। करता था, मगर हमको मालूम था कि वो तुमको बहुत लाइक करती है। और फिर तुम्हारा और हमारा का कंपटीशन, तुम ठहरे ग्रेजुएट और हम साले दसवीं फेल। फिकर मत करो, तुम्हें भी बहुत जल्दी एक अच्छी लड़की मिलेगी, और वो भी ग्रेजुएट। तुमको क्या लगता है, ब्रिजेश मान जाएगा? अरे संजू आना यार। और आशु? बढ़िया बढ़िया। अरे वाह यार, पूरा भोकाल मचाया तुमने तो। संजू हमारे बचपन का दोस्त है, पंकज। और क्या हाल है भाई? ले तू ग्लास ले। हाँ पंकज, संजू हमारे साथ कॉलेज में पढ़ा करता था। अबे तुम्हारा तो खत्म हो गया यार। अरे नहीं पंकज दो ना। अरे नहीं नहीं बस। अरे इतने दिनों बाद मिले हो यार पंकज, तुम भी बस क्या। हमारे नाम से ले लो एक। बस बस बस। संजू छोटा दियो यार। लेना। अरे पंकज लो ना। हाँ लो यार। संजू जानता है पंकज और मैं बचपन के दोस्त हैं, एकदम पक्के वाले। और वो लड़की थी ना रश्मि, ब्रिजेश की बहन, पंकज भी उसे प्यार करता था। अच्छा? अबे यार मजाक मत उड़ाओ यार। और जानता है संजू, ब्रिजेश नहीं चाहता कि रश्मि की शादी मेरे साथ हो, इसीलिए उसने पंकज को यहां मुझे मारने के लिए भेजा है। और इसीलिए पंकज यहां आया है। तुम्हें क्या लगा था बे, हम तुम्हारा प्लान पहचान नहीं पाएंगे? तुम कुछ कैसे पता चला? अब तुम ये कभी नहीं जान पाओगे कि हमको कैसे पता चला। गया। चलो इसकी लाश ठिकाने लगा दे। नहीं संजू, इसके लिए हमने कुछ और ही प्लान किया। क्या? ये हमारा चेहरा जलाना चाहता था ना? संजू अब हम दुनिया के लिए मर जाएंगे, और कातिल माना जाएगा पंकज, जो खुद ही कत्ल हो गया। पुलिस पंकज की खोजबीन करेगी, और हम दूर कहीं रश्मि के साथ अपना घर बसा लेंगे। हम यहां कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। और हमने दिल्ली के एक मंदिर में शादी कर ली। हम तो वापस आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जहां भी नौकरी के लिए जाता ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट की मांग होती, इसीलिए हमने संजू को कॉलेज मार्कशीट निकलवाने के लिए भेजा। अजेंद्र बाबू,
आप पहले से सारी कहानी जानते थे, इसलिए आप लगातार संजू के संपर्क में थे। धन्यवाद संजू। नहीं सर, जब पहली बार आशुतोष का फोन आया तो इसकी आवाज सुन के हम एकदम हक्के बक्के रह गए सर। हेलो भैया, कौन बोल रहा है? भैया आप आशुतोष बोल रहे हैं? आशुतोष कौन बोल रहा है? देखिए मजाक मत करिए हमारे साथ। भैया हम आशुतोष ही बोल रहे हैं। जब हमें मालूम पड़ा कि आशुतोष जिंदा है तो हम तो मतलब एकदम झटके ही खा गए थे सर। लेकिन इसने हमें ये नहीं बताया था कि ये पंकज को मार चुका है। भैया सही कह रहे हैं, दरअसल हमने भैया को कुछ बताया ही नहीं था। हमें डर था कि कहीं किसी मौके पर भैया आप लोगों के सामने कुछ बोल ना दें। भैया कुछ नहीं बोलेंगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। अपराधी कितना भी शातिर हो लेकिन अपराध नहीं छुपा सकता। देर सवेर उसका अपराध सामने आ ही जाता है, जैसे तुम्हारी सारी हकीकत हमारे सामने आ गई। पंकज के घर वालों का खबर कर। आशुतोष का दोस्त और जुर्म में उसका साथी संजू उर्फ संजय सिंह आशुतोष के पकड़े जाने के एक हफ्ते बाद पुलिस की गिरफ्त में आ गया। दोनों पर हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 और आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने के लिए दफा 34 लगाई गई है। रश्मि चौहान को वापस अपने परिवार के पास भेज दिया गया है। ब्रिजेश चौहान के खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने की वजह से केस नहीं टिका और उसकी फिर से पुलिस में बहाली हो गई। इस केस से जुड़े सभी लोगों के अपने अपने मकसद थे। ब्रिजेश ने आशुतोष को मारने की साजिश इसलिए रची क्योंकि वो उसे अपनी बहन रश्मि से दूर रखना चाहता था। रश्मि ने आशुतोष को ब्रिजेश और पंकज से बचाने के लिए ये सब किया। आशुतोष ने अपनी जिंदगी बचाने और अपनी बची हुई जिंदगी रश्मि के साथ गुजारने के लिए अपने दोस्त संजू के साथ मिलकर पंकज को मार डाला जो उसे मारने आ रहा था। क्या ये सब जरूरी था? इससे एक बार फिर से ये साबित हुआ है कि क्राइम नेवर पेस, और इस बात से हम बार बार हर आदमी को आगाह करते हैं। इस अपराध से जुड़े सभी लोग 20 से 30 साल की उम्र के बीच के थे। ताज्जुब यह है कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि साथ बैठकर समझदारी से शांति से अपने गुस्से का गुबार निकालकर किसी हल तक पहुंचा जाए। क्यों नहीं सोचा कि अभी तो पूरी उम्र पड़ी है आगे। जो कदम उन्होंने उठाया वो समझ से परे है। ये शैतानी स्वांग जिसका खात्मा एक जिंदगी के खत्म होने के साथ हुआ, दो के जेल जाने के साथ हुआ, और बाकी बचे दो जो शायद अपनी बाकी की बची उम्र इसका पछतावा करते रहेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और याद रखें समझदारी और शांति से बातचीत करके बहुत सारी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। जय हिंद।